एसपी साउथ का चला सट्टेबाजों पर चाबुक। कानपुर नजीराबाद फजलगंज क्षेत्र के सट्टेबाजों के ठिकानों पर पड़ा छापा। वही सूत्र द्वारा बताया गया कि ठिकानों से कहीं सट्टेबाज पकड़े जाने की सूचना है। मौके पर एसपी साउथ भी मौके पर मौजूद थे। मौके पर सपा नेता उदय द्विवेदी के साथ कई नामी सट्टेबाज हुए गिरफ्तार। मौके पर एसपी साउथ दीपक भूकर सट्टेबाजों से कर रहे हैं पूछताछ। सपा नेता उदय द्विवेदी पहले भी कई जगह से जुए की बुक बराबर चलवा रहा था, जिसकी सूचना काफ़ी दिनों से पुलिस को मिल रही थी। आज एसपी साउथ की टीम ने कानपुर के बड़े सट्टेबाजों गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं इन सट्टेबाजों की पैरवी में कई बड़े सफ़ेद पोश नेता भी लगे हैं। छुड़ाने में कानपुर आईपीएल सट्टेबाजों का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 35 लाख रुपए, 10 मोबाइल, लैपटॉप, विदेशी करेंसी बरामद। फजलगंज और नजीराबाद थाना क्षेत्र से हुई थी गिरफ्तारी। रिपोर्ट बाय संध्या सिंह, समाचार इंडिया न्यूज, कानपुर। हमारा ये अभियान है कि जहाँ जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले और जो मेनली लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आईपीएल के को सहारा बना के, चाहे किसी और चीज़ को सहारा बना के, पहले भी आपने देखा था कि ताश के साथ और स्कैनर इक्विपमेंट के साथ वो लोग सट्टा करवाते थे, जुआ खिलवाते थे, उस गैंग को पकड़ा गया। फिर आईपीएल पे चलने वाले जितने भी यहाँ मेनली कई सालों से प्रयास लगातार कर रहे थे, पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ समय से ये लगातार अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस अपराध के माध्यम से कई अभियुक्त ऐसे गिरफ्तार हुए हैं और आज भी इसमें जो 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें अशोक कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, मोहनजीत उर्फ लक्की गंभीर, परमिंदर सिंह, सौरभ गुप्ता, नसीम अहमद, इनके भी कुछ सदस्य जो पहला गैंग जो गिरफ्तार हुआ था उससे भी